एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद दिल से। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक रेसिपी ब्रेड से, जिसका नाम होगा ब्रेड बॉल, और उसमें ढेर सारी सब्जियां डालेंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, और ये टी टाइम स्नैक्स है। शाम के समय चाय के साथ आप खा सकते हैं, या फिर आपके घर में बच्चों की पार्टी हो रही है तो उसमें स्टार्टर के रूप में ये बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी ब्रेड बॉल की। ब्रेड बॉल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप ब्रेड क्रम्स। इसको आप होममेड भी बना सकते हैं, ब्रेड क्रम्स जो आते हैं ब्रेड, उसको क्रश करके ग्राइंडर में आप बना सकते हैं, या फिर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो 2 कप मैंने ब्रेड क्रम्स लिया। इसमें ऐड अब करेंगे सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने लिया है शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। आप चाहें तो यहाँ और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। तो यहाँ पे आप अपने तीखापन के अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट के लिया है। इसके बाद मैंने ऐड किया ढेर सारे फ्रेश धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। इसके बाद ऐड कर देंगे मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच से पाव भाजी मसाला, इसमें मैंने ऐड किया। इसके बाद ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच अखा जीरा, तब जीरा का जो सीड्स आता है उसको भी ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। इसके बाद ऐड कर देंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही ऐड करेंगे 2 उबले हुए आलू जो कि मैश किए हुए हैं। तो अगर आपके पास बड़े साइज के आलू हैं तो एक ही ऐड करें यहाँ पे। और इसके बाद ऐड कर देंगे 1/2 कप राइस फ्लावर, और टेस्ट के लिए नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके अब इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे। इसको मिक्स कर लेंगे पहले हाथों से, कुछ इस तरह से हल्का सा, हल्के हाथों से पहले मिक्स करेंगे, ताकि ये सारे मसाले और सब्जियां और जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं सब अच्छी तरह मिल जाए। तो अगर आपको लगे कि पानी ऐड करना पड़ेगा तो ऐड कर लें हल्का सा पानी बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से हल्के से करीब 1-2 चम्मच लेके इस हाथों में इस तरह से मसलते हुए इसको एक सॉफ्ट डो जैसा बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आप रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी डाल भी सकते हैं और नहीं डालें, क्योंकि सब्जियों से पानी निकलता है तो कभी कभी उसी से ये इस टाइप के आटे बन जाते हैं इसके। तो इस तरह से बना लेंगे, और अब इसके बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे, कुछ थोड़े थोड़े पोर्शन लेके। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 बना लिया। इस तरह से सारे बना लेंगे बॉल्स सारे आटों का। आप यहाँ पे साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अनुसार, बहुत छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तैयार कर लिए बॉल्स बना के। अब इसको डीप फ्राई कर देंगे। तो डीप फ्राई के लिए मैंने पहले से ही तेल गरम करके रखा हाई फ्लेम पे, और एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, और इसको तब तक भूनना है जब तक कि ऊपर से एकदम से क्रिस्पी और ब्राउनिश नहीं हो जाए। काफ़ी अच्छा लाल होना है, तो इसका कलर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होना चाहिए। और पहले हाई फ्लेम रखें, फिर तलते समय मीडियम टू हाई करें, थोड़ा सा लो कर दें हाई से फ्लेम को, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब्जियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने सारे तल लिए एक एक करके। अब इसको एक मैं तोड़ के दिखाऊंगी कि ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, ऊपर से काफ़ी अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये चाय के साथ शाम के समय स्नैक्स में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या कभी मेहमान आ गए तो इमीडिएट, घर में तो ब्रेड रहता ही है तो काफ़ी जल्दी बन जाता है ये। तो इस तरह से आप बना के इंजॉय कर सकते हैं स्नैक्स। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।